हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और कीवर स्कीम टीचर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ फॉन्ट जनरेटर की वेबसाइट का कुछ मैं आपको कुछ आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जितनी भी वेबसाइटों को मैं आपको दिखाऊंगा, सब पे मिलियन का ट्रैफिक है। मिलियन का है ना, मिलियन का ट्रैफिक आता है इस पर। एक वेबसाइट आप देखेंगे 3 मिलियन का मंथली विजिटर, और विजिट ड्यूरेशन टाइम 5 मिनट। 5 मिनट किसी ब्लॉग पे नहीं होता है। इस तरह की वेबसाइट आप देखेंगे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ट्रैफिक सबसे पहले नंबर वन पे। जो ट्रैफिक आ रहा है इस तरह की वेबसाइटों पे, वो यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हैं, 26% यूनाइटेड स्टेट से। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो CPC होगी, काफ़ी अच्छा CPC मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको अलग अलग वेबसाइटों का अलग अलग आपको एग्जाम्पल दूंगा, विथ गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी होगा, ऐड भी लगा होगा, सारा कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा फिर। और कीवर रिसर्च मार्केटिंग अफिलिएट ब्लॉगिंग या यूट्यूब के लिए अगर आपको टॉप लेवल का कीवर रिसर्च करने का बेस्ट मेथड बताना फ्रेंड्स, तो अगर आपको सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, abhishekkumargautam9616@gmail.com पे। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे फॉन्ट स्पेस, यहाँ पर लिखा मैंने फॉन्ट जनरेटर, गूगल में टाइप किया फॉन्ट जनरेटर, और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ बस जनरेटर सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और जो यहाँ पर वेबसाइटें, यहाँ पर जो रैंक है आप देखेंगे, एक नहीं कई वेबसाइट है। अभी यह क्या, फॉन्ट स्पेस डॉट कॉम है ना, यहाँ पर देखेंगे फॉन्ट स्पेस डॉट कॉम, ये रैंक है ना। तो सिंपली आप देखेंगे इस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की सिंपल स्टैटिक वेबसाइट आप बना सकते हैं अगर आपको कोडिंग आती है, और आपको नहीं आता है तो फाइबर से आप जाके हायर कर सकते हैं, डेवलपर को हायर करके इन्वेस्टमेंट करके आप इस वेबसाइट को रैंक भी करा सकते हैं। इस तरह की वेबसाइटों को रैंक कराने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं कभी कभी, है ना। और कभी कभी वेबसाइटें काफ़ी जल्दी रैंक हो जाती है, कभी कभी लेट रैंक होती है। मतलब कहने का मतलब है कि अब तो जो गूगल का अपडेट आया है उसकी वजह से वेबसाइटें क्या होती हैं, डुप्लीकेट जो कॉपी वेबसाइटें होती हैं वो रैंक नहीं होती है जल्दी, है ना। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना, यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिले, है ना। सेम आपको कॉपी पेस्ट वाला यहाँ पर आप देखें, जो भी आप लिखेंगे उसका अलग अलग फॉन्ट आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो सिंपल है, मैं आपको दूसरी पे फायदा, यहाँ पर coolsymbols.com, अगर मैं इस पर ट्रैफिक आपको दिखाता हूँ, सिंपल स्क्रिप्ट जो है इस वेबसाइटों में जो स्क्रिप्ट यूज किया गया है, सब एक ही स्क्रिप्ट यूज किया आप देखेंगे, और इस पर जो ट्रैफिक वो देखें 3 मिलियन का ट्रैफिक है। अगर मैं इसके बात करूँ आप देखेंगे 3 मिलियन का ट्रैफिक, और इस पर मैंने आपको दिखाया था इस पर भी मिलियन का ट्रैफिक है। इस पर जो ट्रैफिक था माइडिया फ्रेंड्स, आप देखेंगे लगभग 5 मिलियन का ट्रैफिक है, और coolsymbols.com पे आप देखें 3 से लगभग 4 मिलियन का ट्रैफिक है, है ना। और एवरेज टाइम इस पर कम है, क्योंकि सिंपल वही स्क्रिप्ट को सब जगह यूज किया। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं तो सेम स्क्रिप्ट है ना, सेम स्क्रिप्ट हो ये सारी वेबसाइटों पे यूज़ किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो सेम स्क्रिप्ट को देखो इस वेबसाइट पर यूज़ किया है, और सेम स्क्रिप्ट को इसको सिर्फ सिंपल क्या है, इसमें चेंज क्या क्या है, इसमें आपको सिर्फ डिज़ाइन चेंज की गई है ना, मेनू हो गया, शेयर बटन हो गया, है ना। यहाँ पर सिर्फ नेविगेशन को चेंज किया है, बाकी जो स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है आप देखेंगे सेम दोनों में है। मैं आपको तीसरी वेबसाइट का भी एग्जांपल दिखाता हूँ, पर यहाँ पर तीसरी वेबसाइट का, यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइलेट कैसे, यहाँ पर जब भी कोई मैं चीज़ टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया गया है, यानी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया है इन दोनों वेबसाइट का यूज करके। तो सिंपल आप देख रहे हैं एक ही प्रकार का स्क्रिप्ट को यूज करके अलग अलग वेबसाइट हो। और इस पर अगर मैं आपको ट्रैफिक की बात करूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि मुझे आर्टिकल लिखना नहीं आता है, जिनको आर्टिकल नहीं लिखना आता इस तरह के वो वेबसाइटों पर वर्क कर सकते हैं, पर इस तरह की वेबसाइटों पर आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। और दोस्तों एक बात और है कि इस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, इसके लिए SEO की भी ज़रूरत पड़ती है आपको, है ना, डेवलपर की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके इस तरह की वेबसाइटों को आप क्रिएट कर पाते हैं। इस पे देखेंगे 12 मिलियन का ट्रैफिक है, 12 मिलियन का मंथली, और जो सब का सब है सब USA का ट्रैफिक है आप देखेंगे, है ना, सब बाहर कंट्री का ट्रैफिक है। तो जो भी ट्रैफिक मिल रहा होगा कमाल का ट्रैफिक, और कमाल का अर्निंग हो रहा होगा, 10 मिलियन का ट्रैफिक बहुत होता है। और इस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल है। मैं आपको अगली वेबसाइट दिखाता हूँ, यहाँ पर nickfinder.com, सिंपल आप देखेंगे जो ये वेबसाइट का स्क्रिप्ट यूज़ किया, सेम यही वेबसाइट को देखो निक वाले, है ना, सिंपल इसका नेविगेशन फिर से चेंज कर दिया निक। और यहाँ पर देखो जो एडसेंस लगाया गया, यहाँ पर लिंक टेस्ट है, यहाँ पर लिंक एडसेंस लगाया। अब जब भी कोई यहाँ पर गूगल एडसेंस पर क्लिक करेगा, लिंक एडसेंस लिंक कोड से, यानी जो आपको ऐड लगाते हैं लिंक ऐड पर सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है, अगर आपको शायद पता हो, अगर ब्लॉगिंग करें तो लिंक ऐड पर सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है अगर क्लिक आ जाता है।
और इस पे अगर मैं आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ तो दोस्तों आप इस पे देखेंगे कमाल का ट्रैफिक और मिलियन का ट्रैफिक, आप देखेंगे 9 मिलियन का ट्रैफिक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिनको ब्लॉग लिखना नहीं आता है वो इस तरह के वेबसाइटों का ब्लॉगिंग कर सकते हैं और टारगेट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। इस पे भी एडसेंस का प्रूफ है, लगभग 9 मिलियन का ट्रैफिक है। मैं आपको अगली लास्ट वेबसाइट दिखाता हूँ, सेम आप देखें सेम वही उसी तरह वेबसाइट है ना, यहाँ पर देखें अलग अलग फॉन्ट है। यहाँ पर जब भी कोई कुछ टाइप करेंगे आप, टाइप करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर टाइप करने के बाद देखेंगे टेक्स्ट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। सेम स्क्रिप्ट को यूज़ किया, यहाँ पर मैंने टाइप किया, थोड़ी देर मैंने जैसे मैंने इंटर मारा यहाँ तक वो आ गया है ना। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ अभिषेक, और मैंने तो इंटर मारा, ये देखो अभिषेक है ना। सेम स्क्रिप्ट को यूज़ किया गया, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ किया गया और सेम है ना। यहाँ पर एडसन का भी कोड लगा, मैं को इसका भी ट्रैफिक आपको दिखाता हूँ, मिलियन मिलियन का ट्रैफिक सब पे है देखेंगे। और सबका यूएसए का सबसे पहले कंट्री आती है, उसके बाद कोई और कंट्री, मिलियन का ट्रैफिक, 5 मिलियन का ट्रैफिक। तो इस तरह की वेबसाइटों को आप बनवाने के लिए आपको आपको कोडिंग आनी चाहिए, तो आप डेवलपर हायर कीजिए, एसईओ हायर कीजिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके इस तरह की वेबसाइटें रैंक होती हैं। 3 से 6 महीने इस तरह की वेबसाइटों भी लगती है, क्योंकि इस पर आपको टारगेट करके आपको रैंक कराना पड़ता है कीवर्ड को, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जिनको आर्टिकल लिखना नहीं आता है वो इस तरह के कीवर्ड पे वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ताकि आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको आपके हिसाब से मैं ब्लॉग को वीडियो को क्रिएट करके आपको अपलोड कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।